ये इंडिया का लास्ट पोस्ट है। यहाँ से ये लास्ट पोस्ट आ रहा है इंडिया। तो क्या वहाँ पर से पोस्ट वगैरह दिखता है? हाँ क्यों नहीं दिखता है, वहाँ से पूरा आधा पाकिस्तान दिख रहा है वहाँ। जाने देंगे? इस पहाड़ के ऊपर में अपने इंडियन आर्मी की लास्ट चेक पोस्ट है, और ये जो बर्फ वाला पहाड़ देख रहे हो इसमें पाकिस्तान का फर्स्ट चेक पोस्ट है। तो हम अभी एक ऐसे गाँव के तरफ जा रहे हैं जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही छोटा गाँव है, बहुत ही प्यारी वैली में बसा हुआ है। बगल से किशन गंगा नदी बह रही है। तो यहाँ फेंसिंग क्यों है? उधर होनी चाहिए ना। अब क्या यहाँ पे जो है ऑलरेडी आपको पता है कश्मीर में तो ऑलरेडी जुलूम चल रहा है। जुलूम चल रहा है? कैसे, कैसे है सर आप लोग? भाई जनाब ठीक है। ये गांव का क्या नाम है? इस गांव का नीरू। नीरू वहाँ ऊपर जाना होगा और उसके बाद क्या बनाना होगा? मूवमेंट पास। मूवमेंट पास वफादार मोजी मिनिश सायलाई समसार मोजी सहयू काम शुमनाई वफादार मोजी मिनिश सायलाई समसार मोजी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो एसजे व्लॉग्स इन द लाइट के आज के इस एपिसोड में। अभी हम हैं कश्मीर के गुरेज वैली में, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको गुरेज वैली के बारे में सब कुछ बताया था, यहाँ की बहुत सारी स्टोरीज सुनाई थी। आज हमारा ये प्लान है कि हम गुरेज वैली से धीरे धीरे इस मतलब यहाँ जो डावर है डावर से धीरे धीरे गुरेज वैली को और जानने के लिए आगे जाएंगे। गुरेज वैली जैसा मैंने आपको बताया था कि लगभग LOC पे है, हमारे जस्ट बगल में जो पहाड़ है उसके पीछे POK है, तो पूरी फेंसिंग वगैरह भी लगी होती है। तो हम आज पूरे LOC के साथ साथ चलते जाएंगे। साथ ही साथ आज मैं आपको दिखाऊंगा कि LOC के पास कश्मीरी लोगों का कैसा जीवन है, वो कैसे यहाँ पे गुजर बसर करते हैं, क्योंकि विंटर्स में यहाँ पे 35 फीट के ऊपर स्नो हो जाती है। 6 महीने के लिए पूरा गुरेज रेस्ट ऑफ द इंडिया से कट ऑफ हो जाता है। और मैंने आपको ये बात और बताई थी कि गुरेज वैली, अरे मैंने आपको ये भी बताया था कि गुरेज वैली 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक नीलम जो कि पाकिस्तान के अंडर है, एक अस्टोर जो पाकिस्तान के अंडर है, और एक गुरेज जो इंडिया के अंडर है। तो गुरेज कल हम गए थे अचूरा गांव, अचूरा गांव से अस्टोर का रास्ता कट जाता है, और अगर हम डावर से और आगे तुलायल की तरफ जाएंगे तो वो नीलम का रास्ता कटेगा। तो आज हम टूवर्ड्स नीलम जाएंगे। मैं स्टे कर रहा हूँ शाह होटल एंड रेस्टोरेंट में। वैसे तो यार रेंज 240 किलोमीटर बता रहा है, पर मैं सोच रहा हूँ कि पेट्रोल ले लेते हैं, रास्ता ख़राब होगा, पेट्रोल ज़्यादा, अपनी लजवंती पिएगी, तो उसके पीने का इंतज़ाम कर लेते हैं। पेट्रोल पंप बगल में ही है। चालू नहीं है? चालू नहीं है? अच्छा पहले चालू करेंगे। भाई साहब आप क्या कार्ड पेमेंट भी लेते हैं या कैश? कार्ड या नहीं चलता है। नहीं चलता? चलता तो पीछे वाले होटल ने तो कार्ड ही लिया था। गूगल पे वगैरह? हाँ डालो भैया, पिलाओ इसको, बहुत पीती है ये। क्या रेट है इधर? 119। ओ भाई यहाँ हमेशा पेट्रोल मिलता है? जब जब रास्ता खुला रहता तब तक ही? हाँ तब तक। ये ओनली वन पेट्रोल है ना पेट्रोल पंप? पहले तो यहाँ वो वाला होगा हाथ वाला? नहीं पहले कोई पहले था ही नहीं। कब बना ये? इसको हो गया 5-6 साल। उससे पहले क्या करते थे, ब्लैक में रखते थे? हाँ ऐसे ही। पेट्रोल ले लिया है मैंने और आज की राइड की शुरुआत हो गई है। तो आज की राइड की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम के साथ, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। यार जब मैं बोलता हूँ ना भोलेनाथ सबके साथ, तो मैं ये लिटरली फील करके बोलता हूँ कि सच में भोलेनाथ सबके साथ। मैंने तो ये मतलब फील किया है कि सच में महादेव ने मेरे साथ ऐसे ऐसे टाइम पे मेरा साथ दिया है जब मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत। वैसे तो ज़रूरत हमेशा ही है महादेव, आप हमेशा ही हमारे साथ रहे। और मैं ये भी जानता हूँ कि जब मैं बोलता हूँ भोलेनाथ, तो जितने भी लोग मुझे बराबर देखते हैं उनके मन में खुद ब खुद आ जाता है सबके साथ। तो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। आज मार्केट वगैरह थोड़ा बंद सा है, ये शायद इतना ही मार्केट होगा।
इधर चलना है अपने को, इधर नहीं तो लाल मार्केट। तो यहाँ से सबसे पहले आएगा बरनाई, फिर आएगा पुराना तुलेल, फिर नीरू, फिर बड़गाम, फिर सारदाब, फिर बुगलिंदर, फिर हुसैनागाम, फिर बरुआब, गुजरन, अब्दुलान, चकवाली और उसके बाद काबोल गली। काबोल गली सबसे लास्ट 72 किलोमीटर, जहाँ की जाना शायद अभी मुश्किल होगा बर्फ़ के कारण। तो चकवाली 56 किलोमीटर तक तो हम जाएंगे आज। और ये सारे जो गांव है एलओसी से बिल्कुल करीब है। आप ये समझो कि ये पहाड़ के उस साइड अपनी इंडिया की आखिरी पोस्ट है और पाकिस्तान की पहली पोस्ट है। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरी फेंसिंग के साथ मैं चल रहा हूँ, मतलब बगल बगल में फेंसिंग है और उसके बगल में नदी है, और वो जो विलेजेस हैं वहाँ जाना अलाउड नहीं है, वो बॉर्डर विलेजेस हैं। तो जो नॉर्मल सिविलियंस है वहाँ बस वही लोग जाते हैं जो जिनका वहाँ पे घर है। नॉर्मल सिविलियंस के लिए यहीं तक एरिया है, उसके इधर नहीं। इसके इधर आर्मी की चेक पोस्ट वगैरह भी है, आर्मी के बस वो लोग वहाँ रहते भी हैं। आंटी एकदम लकड़ी वकड़ी लेकर आ रही है ताकि जलावन का काम हो। ये लोग वैसे ज़्यादा ज़्यादा करके रखते भी हैं, क्योंकि ठंड में 6 महीने घर पे रहना होता है तो उसका भी इंतज़ाम करना होता है। तो रोज़ वो ज़्यादा ज़्यादा लाते हैं, जो 6 महीने उनके ऐसे रहते हैं जिसपे वो बाहर निकल सकते हैं, आ जा सकते हैं, उस टाइम वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये वही किशन गंगा रिवर है जो पीओके में किसी ग्लेशियर से निकल कर आ रही है, और पीओके में इसका नाम नीलम है, नीलम रिवर। आज मैं एकदम टुवर्ड्स द इंडिया पाकिस्तान एलओसी जा रहा हूँ। वैसे तो एलओसी के साथ साथ जा रहा हूँ, लेकिन जो लास्ट पोस्ट है इस रास्ते से वहाँ तक जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है। रोड भी अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि बस ट्रक्स वगैरह के लिए या फोर व्हीलर्स के लिए या कैरियर व्हीकल्स के लिए ही मतलब है, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत तगड़ा रोड नहीं है। आगे तो मैंने सुना है कि और थोड़ा ख़राब रोड मिलने वाला है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसे नज़ारे के बारे में बात करें तो एकदम ही अनटच्ड ब्यूटी है, एकदम रॉ। कुछ भी ज़्यादा मानवों ने ह्यूमंस ने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया इधर प्रकृति के साथ। यार प्रकृति नहीं होती यार, प्रकृत होती है, ये मुझे हाल फिलहाल में पता चला है, प्रकृत, क्योंकि लास्ट में त आता है ना, ती नहीं आता, तो हम लोग प्रकृति बोलते थे, प्रकृत। ऊपर के पहाड़ और उसके बगल वाले पहाड़, बगल वाला पहाड़ उससे थोड़ा नीचे मालूम हो रहा है, लेकिन वो पूरा स्नो से ढका हुआ है। यार अरुणाचल प्रदेश की गाड़ी, और कहाँ अरुणाचल, कहाँ कश्मीर। आगे आने वाले टाइमों में 2 साल 4 साल 5 साल बाद, या फिर शायद उससे पहले ही इधर से होकर भी लद्दाख जाया जा सकेगा। यहाँ से आप निकलेंगे सीधा मटियान के पास, जो द्रास से पहले है, या शायद द्रास के आसपास। अभी वो रोड कंस्ट्रक्शन मोड पे है, ये लोग बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और जिस हिसाब से बीआरओ ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं बना भी देगी। बरनाई गांव आने वाला है वो रहा, और उसके जस्ट बगल में जो पहाड़ है वो पूरे मैदानी पहाड़ जैसा लग रहे हैं, मतलब पहाड़ पे ऐसा महल लग रहा है कि मैदान बना हुआ है। इधर का रास्ता अगर मैं आपको बताऊं तो ठीक ठाक है, ना उतना ख़राब है ना उतना अच्छा है, ठीक ठाक। शुभम झा, जे एच ए। क्या हाल है भाई? हाँ जी, डब्बा देखना है। चलो ठीक है सर। तो पहले इन्होंने मुझे बोला कि डब्बे में क्या है, मैंने कहा कपड़े, और फिर उन्होंने बोला दिखाओ। फिर वहीं पे सामने किसी ने बोला अरे ये तो SJ व्लॉग्स है, फिर कह रहे चलो ठीक है रहने दो। तो पूरा वाटर क्रॉसिंग है भाई, पहले मुझे वाटर क्रॉसिंग में बहुत डर लगता था, इतना डर लगता था कि वाटर क्रॉसिंग के बीच में मेरी गाड़ी बंद हो जाती थी। फिर मुझे पता चला कि कुछ भी हो गाड़ी बंद नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद फिर अब मैं वाटर क्रॉसिंग में निकाल लेता हूँ। आओ भाई कहीं जाना है क्या? क्या हाल है भाई?
कैसे हैं? आप ठीक हो? हम बढ़िया, सब बढ़िया। चकवाली जा रहे हैं? चकवाली जा रहे हैं, चलेंगे। चलो बैठो। क्या नाम हुआ आपका? जावेद अहमद खान। चलो चलो। आप कहाँ के हो सर? मैं बिहार का हूँ। बिहार का है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, करते क्या सर आप? यही काम है, घूमना फिरना, आप लोगों से मिलना। जी वो तो बात सही है, घूमना फिरना है। वैसे आपका प्रोफेशन क्या है? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर? हाँ जी। और बाइक पे कहाँ से आए अभी? अभी अभी तो यही डावर से। अच्छा डावर से। कल कहाँ से आए थे? बांडी से? हाँ नहीं, कल आए थे सोनमर्ग से। सोनमर्ग से सीधा? हाँ। और कोई भी है साथ में? अकेले हो आप? है ना, मैं तो हूँ बस। मेरे आप ऊपर वाला है, और क्या चाहिए। बात सही है सर। यहाँ भी पूरा बर्फ वगैरह ढक जाता है? हाँ बर्फ वगैरह ढक जाता है यहाँ पर। कितना तक बर्फ होता है इधर? यहाँ पे कम से कम 4-5 फुट तक हो जाता है। 4-5 फुट? हाँ, मैंने सुना 35 फीट होता है। 35 फीट नहीं होता है? नहीं, ये गलत बात। पूरे एरिया में कहीं नहीं होता? पूरे एरिया में कहीं नहीं होता। हाई अल्टीट्यूड में अगर ज्यादा होगा ना वहाँ, हाँ, पर हो सकता है 15-20। अच्छा, मैंने सुना की एक एक फ्लोर तक ऐसे बर्फ हो जाता है। एक एक फ्लोर? फिर यहाँ का फ्लोर कितना होता है? 6? सही 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 सही। का फ्लोर ही कितना होता है? सही सही। ये आप देख सकते हैं सामने 5 और 6 फुट से ऊपर फर्स्ट फ्लोर होता ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, सही सही। इसीलिए ना, इसीलिए एक एक तो ढक जाता है यहाँ। अब दूसरी बात भी है, जो ऊपर से गिरता है, जो छत के ऊपर जो पड़ता है, वो भी सामने जमा हो जाता है। हाँ, और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है। फुट अगर पड़ गया, वो हो गया 10 फुट बन जाता है दरवाजे के सामने। तो 6 महीने तक घर के अंदर ही रहते हैं? नहीं, ऐसे घूमते हैं, बर्फ के ऊपर से ग्राउंड बनाते हैं। यहाँ पर टूर्नामेंट लगता है, क्रिकेट का ग्राउंड बनता है इस जगह। बर्फ के ऊपर क्रिकेट? हाँ, बर्फ के ऊपर उसको थोड़ा दबाते हैं, बहुत आदमी आ जाते हैं, 10-15 टीमें। अच्छा, दबा देते हैं बहुत। अच्छा, मतलब फुल मजे? हाँ फुल मजे, इतना मजा आता है बात ही मत करो। सही है। आपका कौन सा गांव है? यही गांव है मेरा। अच्छा, यही जाना है आपको? फिर तो बहुत कम ही जाना था आपने। बहुत कम ही जाना। यहाँ थोड़ा हमारे को मोबाइल की कनेक्टिविटी कम है, वहाँ से मुझे पैसे कुछ ट्रांसफर करने। अच्छा अच्छा, बांडीपुरा में। अच्छा, यहाँ सबके घर लकड़ियों के होते ना? मैक्सिमम लकड़ियों के। कहीं कहीं पर ये मेरे ससुर का घर है, मकान है ये वाला। ये आपके ससुर जी का है? मेरे ससुर जी का। अच्छा, जो ग्राउंड फ्लोर है ये ईंट का बना हुआ है। आपके ससुर जी तो अमीर है। ना। अच्छा अच्छा, मैं खुद लेक्चरर हूँ। अच्छा, क्या बात है, आप भी अमीर है। क्या है, नॉलेज में अमीर है ना? नॉलेज में बस बिल्कुल सर, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ दो सब्जेक्ट्स में। क्या बात है, क्या बात। ये लकड़ियों से इसलिए बनाते हैं ताकि बुखारी जलाए तो हीट अंदर रहे ना? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली। और दूसरी बात है, यहाँ पर जो लकड़ी हमारी है ये सस्ती मिलती है। अच्छा, इसी वजह से कोई कास्ट नहीं होता है। अच्छा, तो जंगल पड़े हुए हैं वहाँ से काट के लाया यहाँ। तो क्या हर सीजन में बनाना होता है ऐसा कुछ? नहीं, हर सीजन में नहीं, ये तो 50 साल निकालेगा ना। 50 साल? क्या बात। अच्छे तरीके से बेडिंग वगैरह खरीद, अच्छे तरीके से बनाए फिर हो जाता है। चलो बढ़िया है। तो यहाँ पर गुलाब पड़ता है, आगे है एक गांव का नाम है। हाँ। पर एक हर्ष कम भी है, वहाँ मेरी ड्यूटी है। अच्छा, हाँ। वही छोड़ दो फिर, आज तो संडे है। संडे आज किसे जाऊंगा मैं? आज यहाँ बैठे थोड़ा मजे ले रहा है इसका। चलो इसलिए किया। चलो ठीक हो दामा जी, बढ़िया। यहाँ से और वो वाला विलेज जो दिख रहा है, वही नाम है ये लास्ट पोस्ट है जो टॉप पे दिख रहा है यहाँ से। अच्छा, पिछला जो दिख रहा है वो पाकिस्तान, ये इंडिया का लास्ट पोस्ट है। यहाँ से ये लास्ट पोस्ट आ रहा है। तो क्या वहाँ पर से पोस्ट वगैरह दिखता है? हाँ, क्यों नहीं दिखता है, वहाँ से पूरा आधा पाकिस्तान दिख रहा है। जाने देंगे? क्या पता, यहाँ से नहीं छोड़ेंगे ना, लोकल को नहीं। आप बैठो ना। फिर तो बैठा हूँ, फिर जाने देंगे मुझे? चलो घुमा के तो लाओ वहाँ पे। चलो आ जाओ फिर, बैठो बैठो फिर। आप रखो इसको, पहले यहाँ एंट्री करेंगे ना। एंट्री मान देखो, क्या एंट्री करनी पड़ेगी। चलो मैं साइड लगाता हूँ, जहाँ तक छोड़ेंगे वहाँ तक जाएंगे। चलो ठीक है सर। ओके सर। गुलाब गाँव है ना? गुलाब गाँव जी, आप रखें। ठीक है, तो रात में इधर फेंसिंग लगा देते होंगे? बंद कर देते हैं। मेन रोड से लास्ट तक जा सकते हैं। हां, चकवाली तक जाना आपका? चलो ठीक है ठीक है ठीक। तो ये जो पहाड़ आप देख रहे हो, इस पहाड़ के ऊपर में अपने इंडियन आर्मी की लास्ट चेक पोस्ट है। और ये जो बर्फ वाला पहाड़ देख रहे हो, इसमें पाकिस्तान का फर्स्ट चेक पोस्ट है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं। ये जो नीचे गांव है, ये लास्ट गांव है, इसका नाम है गुलाब। जाने तो नहीं दिया गया, लेकिन दूर से एटलीस्ट हमने देख लिया। मैंने आपको बताया था कि ये पूरा रास्ता LOC
के साथ साथ चलता है। अब एक ऐसा पहाड़ आ गया है जिस पर अभी भी बर्फ है और वहाँ एक गांव भी है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस पे गांव है। तो यहाँ की फेंसिंग किधर है? ऊपर होगी शायद। ये इधर से पूरी फेंसिंग आ गई। हर फेंसिंग के आसपास एक टावर है जिस पर बैठकर पूरे एरिया की नज़र रखी जा सकती है। यहाँ से काबुल गली 53, चकवाली 36, मतलब हम डावर से 20 किलोमीटर आगे आ गए। इस गांव का नाम है पुराना तुलेल। हर जगह मैं देखता हूँ फेंसिंग की हुई है और गेट लगा हुआ है। रात में ये सब गेट शायद बंद हो जाता है। ये देखो, इस गांव से निकलने के लिए भी गेट लगा हुआ है और ये रात में बंद हो जाता होगा। हेलो, गजब स्लिप हुआ यार, ये तो गिर गया। अब क्या करेगा, उठाएगा और क्या करेगा? धक्का लगाएगा, ऐसे करके धक्का लगाएगा, हम उधर से खींचेगा, तुम तीनों ठीक है उधर से धक्का लगाओ, उठाओ। रुको, यहाँ मिट्टी है ना, उधर से खींचो, उधर से, उधर से इसको पकड़ के खींचो, ठीक है। रुको, एक दो तीन, उठ गया। हाँ, पैरेटो पैरेटो स्टैंड लगाएगा। हाँ, पकड़ के रखना, ठीक है। हाँ, अब सबको एक एक चॉकलेट मिलेगा। ये लो, ये लो, बाय बाय। चलो, बच्चों ने हेल्प की तो उड़ गया, पर ये जूता बाइक एकदम 360 डिग्री रोटेट कर गई। अब मुझे चॉकलेट भी खरीदना होगा, क्योंकि अगर मान लो फिर से गिरा तो बच्चे होने चाहिए ना, उठाएंगे बच्चे तो चॉकलेट दूंगा ना उनको। यहाँ पे बहुत स्लश है यार, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। इस चक्कर में थोड़ा सा एक्सेलरेटर ज़्यादा दिया, बाइक घूम गई। यहाँ से दो रास्ते हैं, पहले तो इधर से चलो, ऊपर से तो चकवाली नहीं होगा, शायद इधर से ही है। जूता धो लूँ क्या जाके? हाँ रुको, ऊपर ऊपर से मैंने धो लिया है। पूरा वाटर क्रॉसिंग है भाई, वाटर क्रॉसिंग भी है, स्लश भी है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि गांव वो है, फेंसिंग वहाँ है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ।
इधर कैसे आया मैं, क्योंकि वहां से भी एक रास्ता जा रहा है, पर शायद आगे से भी एक रास्ता उधर कनेक्ट करेगा। ये बाईपास है। तो हम अब एक ऐसे गांव के तरफ जा रहे हैं जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही छोटा गांव है, बहुत ही प्यारी वैली में बसा हुआ है। बगल से किशन गंगा नदी बह रही है और हरे भरे पहाड़ हैं, बर्फ भी है, बहुत मस्त लग रहा है। कैसे है भाई साहब, ये कौन सा गांव है? कौन सा? शेखपुरा, यही है। अच्छा, मुझे तो चकवाली जाना है। चकवाली से आगे कितना आगे है यहाँ से? कम से कम 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। रास्ता कैसा है? बस ऐसा ही है। ऊपर से जाना है? ये लिंक रोड है। अच्छा, ये गांव के लिए है। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, इधर फेंसिंग क्यों लगी है? तो यहाँ फेंसिंग क्यों है? उधर होनी चाहिए ना। अब क्या यहाँ पे जो है ऑलरेडी आपको पता है कश्मीर में तो ऑलरेडी जुल्म चल रहा है। जुल्म चल रहा है? क्या जुल्म चल रहा है? यहाँ हर किसी इंसान को मतलब तंग कर रहे हैं, सीधी सी बात। अच्छा, अगर मेल्टन घुसते होंगे तो यहाँ थोड़ी घुसेंगे। इनको लगता है मतलब कि ये डब फुल है, इनको लगता है कि ये डब फुल है। अच्छा, इनको लग रहा है कि इधर से कोई घुस ना जाए। हाँ, इनको लगता है ये पब्लिक का मतलब कि पब्लिक से के साथ होता होगा इनका। वैसे ये गांव कैसा है? एकदम शांत है? हाँ। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे पीसफुल है। पीसफुल है, इसीलिए उधर फेंसिंग लगा रखी है। हाँ, रात में क्या दरवाजा वगैरह बंद हो जाता है? पूरा क्लोज होता है। पूरा क्लोज? अच्छा, गांव तो बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ज्यादा नहीं है, यहाँ से जो भी करता है माइग्रेशन कर रहे हैं यहाँ से। एक जगह विंटर में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, थोड़ी सी नहीं बहुत डिफिकल्टी होती है, यहाँ पे 8-9 फीट भी बर्फ पड़ता है। तो ये गांव में एंट्री अलाउड है? हाँ, अलाउड है। अच्छा, रात में बस आप लोग। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे रात में दरवाजा बंद हो जाता है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो तो कहाँ जाएगा वो? वहाँ पे है ना हेल्थ सेंटर, है प्राइमरी हेल्थ सेंटर वहाँ पे। अच्छा है, और ठंड में जब यहाँ लोग रहते हैं और उस टाइम अगर ऐसी हो जरूरत किसी को, क्या करेंगे? फिर बैठा हुआ है ऐसे ही अंदर। जैसे मैं एक बात पूछता हूँ, जैसे बहुत बारी होता है कि लेडीज को डिलीवरी टाइम हो जाता है ठंड में, तो वो क्या करते हैं इधर? बस एक ही जगह बैठते हैं, नहीं तो हवाई सर्विस आती है। आती है, हो गई सेक्शन हो गई तो तब। अच्छा, वो भी सेक्शन होगी, इसीलिए सारे लोग ऐसे माइग्रेट कर रहे हैं। हाँ, यही प्रॉब्लम है, नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं थी यहाँ पे बैठने की, क्योंकि है तो बहुत सुंदर। अब आप ये सोचो कि लोग आपके गांव घूमने आ रहे हैं तो सुंदर है, सुंदर है, घूमने गए हैं, कोई भी बताएगा ये इसी वजह से। चलो चलो, फिर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफी। मोहम्मद शफी, चलो ठीक है, जाता हूँ मैं आगे। इनका कहना है कि जुल्म हो रहा है। अब यार पता नहीं क्या हो रहा है, सेफ्टी भी ज़रूरी है कंट्री के लिए, और कभी कभी लगता है इनका कहना भी सही है। ये भी शायद शेखपुरा का ही पार्ट है। अब राइट इंडिकेटर देखे, लेफ्ट। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जाओ, ये भी शायद शेखपुरा का ही पार्ट है, पर थोड़ा शेखपुरा से थोड़ा दूर है। वहाँ भी एक चेक पोस्ट, या शायद आर्मी का कोई जवान बैठता है वहाँ पे टू ऑब्जर्व एंड टू मॉनिटर। ये भी एक कोई छोटा गांव है। यहाँ पे आप देखोगे कि टीले पर घर बने पड़े हैं, एक ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर। बाकी अच्छी बात यह है कि टावर है यहाँ पे, और मेरे ख्याल से रास्ता नहीं जाता है ऊपर, आपको चढ़कर ही जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब आप एंट्री लेंगे तो शायद आपको परमिशन लेनी होगी अंदर जाने की। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बॉर्डर विलेजेस ऑफ इंडिया। यहाँ भी चेक पोस्ट है, यहाँ भी फेंसिंग है,
नीरू टीसीपी। ये एक बड़ा गांव आया है, बड़ा मतलब काफी बड़ा है। यहाँ पे आप देखो सबके घर लकड़ियों के हैं। हेलो, कैसे हैं सर आप लोग? भाई जी आप ठीक हैं? ये गांव का क्या नाम है? गांव का नीरू। नीरू जी। अभी मैं देख रहा हूँ जितने भी गांव आए उससे तो ये बड़ा गांव है। ये आप सब लोग लकड़ियों के घर में ही रहते हैं? चलो बढ़िया है सर, ठीक है फिर मिलते हैं। ठीक है, ये सब पानी दूर दूर से ही यूज करते हैं, शायद इनके घर तक पानी नहीं आता। क्या हाल है सर? हाँ सर। यहाँ क्या घरों में पानी नहीं आता? पानी आता है सर। तो मैं देख रहा हूँ सब लोग बाल्टी से ले लेके जा, नहीं आता ना घर में, सब वहीं से यूज करते हैं। हाँ सर, यहाँ थोड़ा गली गली में लगा है कहीं कहीं। अच्छा, क्या करेंगे यहाँ पे इलाका ही ऐसा। कितना सुंदर तो है। मालिक की मर्जी, वो करता है जो अच्छा करता है। कितना सुंदर है देखो, देखो ना कितना। दिल्ली से अब हमारे वहाँ जाओगे ना? हाँ। आप खाना नहीं खाओगे कई दिन से। कहाँ पे है आपका घर? हम उधर लास्ट पहाड़ में रहते हैं। लास्ट 7 किलोमीटर पैदल जाना। पैदल अभी आप जाओ। अभी थोड़ी जाएंगे। सुनो ना भाई, हाँ हम जब चलना शुरू करते हैं ना, हाँ जैसे आप इसकी स्पीड बढ़ाते हो ना, हाँ वैसे स्पीड में हम अपना घर में जाते, पीछे देखते हम कहाँ पहुँचे। हाँ चलो ठीक है ठीक है, जहाँ तक जा पाऊँ चकवाली तक सोचा है। खा लेंगे ना आगे। आगे कहाँ मिलेगा? कुछ तो मिल ही जाएगा। चलो मेरे साथ आ जाओ, घर में खाएंगे। आता हूँ फिर घूम के आता हूँ। चलो ठीक है, एक अच्छी बात है इस गांव में नेटवर्क आ गया है। नीरू थोड़ा बड़ा गांव है एज कम्पेयर टू और सारे गांव। ये देखो ये पूरा लकड़ियों से ही बना हुआ है सब कुछ। लकड़ियों से बनाने का एक और रीज़न है कि लकड़ियाँ जाते हैं ऊपर पहाड़ों पे लेकर आते हैं, बस मेहनत लगता है, पैसा लगता नहीं है तो लकड़ी से बन जाता है। अचानक एक बहुत बढ़िया रोड मिल रहा है और आगे एक गांव भी है। देखो भाई क्या गजब फेंसिंग है, उधर नीचे से भी कोई नहीं चढ़ सकता इस तरीके से। चकवाली 29 किलोमीटर, अभी भी 29 किलोमीटर है। बड़ूगाम 3 किलोमीटर, बड़ूगाम में फिर से चेक पोस्ट आएगा। पर रोड तो भाई एंट्री करानी है सर। जी सर, आपको कहाँ तक जाना है सर? चकवाली तक। चकवाली तक जाना है? हाँ जी। आपको पहले पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, वहाँ से मिनट पास बना के लाना है ऊपर। वहाँ ऊपर जाना होगा और उसके बाद क्या बनाना होगा? मूवमेंट पास। तो गाइस हमने बड़ू गांव में एंट्री ले ली है और हमें परमिशन भी मिल गई। सरदाब डिस्ट्रिक्ट में हमने एंट्री ले ली है और अब यहाँ से हम बॉर्डर विलेजेस ऑफ इंडिया को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए आगे जाएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर आई है मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर हमें पहली बार देखा है तो फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नए वीडियो पे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए भाई बाय कह दो, बाय।